दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जो है 10 मिनट लंबी होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा फिजियोथेरेपी डिग्री को आप यूरोप और कनाडा में कैसे पढ़ सकते हो, और पढ़ने के बाद आपकी सैलरी क्या होगी, और अंत में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी कंट्री आपके लिए सबसे बेहतर रहेगी। तो अगर आपके पास 10 मिनट फ्री टाइम है तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो इसको सेव करके रख लीजिए और बाद में देख लीजिएगा जब आपके पास 10 मिनट टाइम हो। तो अगर आप इस वीडियो को पूरी नहीं देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगा इस वीडियो। हाय गाइस, आई एम संदीप। इस वीडियो में मैं फिजियोथेरेपी डिग्री से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जैसे कि आप फिजियोथेरेपी डिग्री को यूरोप, यूके या फिर कनाडा में कैसे पढ़ सकते हो, वहाँ पे फिजियोथेरेपी डिग्री की ट्यूशन फी कितनी होती है इंक्लूडिंग बैचलर और मास्टर के, इसका एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या होता है, और उसके साथ साथ जब आप फिजियोथेरेपी डिग्री से ग्रेजुएट होते हो तो आपको कितना सैलरी मिलता है, और फाइनली हम बात करेंगे कि फिजियोथेरेपी डिग्री के लिए कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलता है और कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपको इस फिजियोथेरेपी डिग्री से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्यूशन फी का। तो इस ट्यूशन फी को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, यूरोप, यूके, कनाडा। तो वैसे सबसे पहले बात करते हैं कनाडा का ट्यूशन फी। तो वैसे फिजियोथेरेपी डिग्री के लिए कनाडा में ट्यूशन फी जो होता है कुछ 10,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 20,000 कैनेडियन डॉलर तक होता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हो और वो यूनिवर्सिटी किस एरिया में लोकेटेड है। तो इसका एवरेज कुछ हो जाता है दोनों बैचलर और मास्टर के लिए जो एवरेज है फी का इतना ही, कुछ 10,000 से 20,000 कैनेडियन डॉलर से लेके। उसके बाद बात कर लेते हैं यूरोप की। कल यूरोप में फिजियोथेरेपी की डिग्री थोड़ी सस्ती हो जाती है कनाडा से, तो इसकी जो फी हो जाती है गाइस कुछ 4,000 यूरो से लेकर के 10,000 यूरो तक पर ईयर, और यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से कंट्री में कौन से लोकेशन पे हो। और उसके बाद बात करते हैं गाइस यूके की। तो गाइस यूके में जो ट्यूशन फी है फिजियोथेरेपी डिग्री के लिए कुछ 8,000 पाउंड से लेकर 12,000 पाउंड तक है। तो गाइस अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हो कि कौन से लोकेशन पे आप पढ़ोगे। उसके साथ साथ डिपेंड करता है गाइस कि आपको ग्रेजुएशन के बाद कितना सैलरी मिलेगा और कितना काम करने मिलेगा, तो उस पर भी लोग का डिसीजन बेस्ट होता है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, अंत में बताऊंगा कि कौन सी कंट्री आपको फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बेस्ट है, वहाँ पे सैलरी कहाँ पे ज़्यादा मिलती है और कहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट की। तो गाइस एडमिशन रिक्वायरमेंट मैं तीनों का अलग अलग बता देता हूँ। तो गाइस यूरोप में आपको एडमिशन रिक्वायरमेंट है 12th का मार्क्स, 12th में आपने अगर बायो और पीई लिया तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, लेकिन अगर आपने नहीं लिया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ उसमें आपको अच्छे मार्क्स होने चाहिए, दूसरा आपका 10th का मार्कशीट, और तीसरा मेन जो रिक्वायरमेंट है गाइस वो है इंग्लिश का। तो गाइस यूरोप में इंग्लिश स्पीकिंग जो है कुछ 5.5 प्लस बैंड अगर आपका होगा तो आपके लिए एक्सेप्टेबल है। इसके साथ साथ गाइस किसी किसी कंट्री में जैसे लैटविया जैसे कंट्री में आपको आयल्स की जरूरत नहीं होती, अगर आपने आप पिछली पढ़ाई इंग्लिश में किया है, आप अपने स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, आपको अपना स्कूल या फिर जो कॉलेज है आपको बना के दे देगा फ्री में। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट इन यूके। तो गाइस जिसमें भी 12th और 10th का सेम है जो भी रिक्वायरमेंट है, और तीसरा रिक्वायरमेंट जो इंग्लिश का है गाइस यूके में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आपको बैचलर के लिए यूके में आपको कम से कम 6 बैंड होना चाहिए आयल्स में। और तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं गाइस कनाडा की। तो गाइस कनाडा में भी यहाँ पे 10th और 12th का मार्कशीट रिक्वायरमेंट है सेम होता है, और यहाँ पे भी बैचलर के लिए आपको आयल्स का जो ज़रूरत है वो हो जाता है 6+। अभी गाइस बात कर लेते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट फॉर मास्टर्स डिग्री। तो गाइस मास्टर डिग्री जो बैचलर के लिए रिक्वायरमेंट है उसके साथ साथ आपको बैचलर का सर्टिफिकेट देना होता है मास्टर्स के लिए। इसमें भी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने इस फील्ड से ही किया होना चाहिए बैचलर को, ये साइंस से रिलेटेड फील्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ गाइस मास्टर्स के लिए आपका इंग्लिश का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, यूरोप में आपका रिक्वायरमेंट हो जाता है 6 बैंड, और यूके और कनाडा में आपका इंग्लिश रिक्वायरमेंट हो जाता है 6.5 प्लस बैंड। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं सैलरी की, आप फिजियोथेरेपी डिग्री के बाद कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो कनाडा, यूके और यूरोप में। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कनाडा की, क्योंकि वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, और आपको पता ही होगा कि जब भी डिमांड बढ़ता है तो आपको सैलरी हाई मिलेगी। तो गाइस कनाडा में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम 50K कैनेडियन डॉलर, और इसके बाद आप जितना अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट हो उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा गाइस। तो मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे को दिखा कि जो टॉप लेवल के फिजियोथेरेपिस्ट हैं कनाडा में कुछ 120K से लेके 150K पर एनम कमा रहे हैं, और जो सैलरी मैं बता रहा हूँ गाइस ये है 8 आवर वर्क डे का और 5 डेज वीक का, मतलब ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा आप कमा सकते हो अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करते हो तो। उसके बाद बात करते हैं गाइस यूके में भी सैलरी फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डिमांड यहाँ पे भी ज़्यादा है गिवेन उनका हेल्थ कंडीशन उतना अच्छा नहीं है और लोगों के पास पैसा है।
तो एज फिजियोथेरेपिस्ट का जो सैलरी है यूके में ये भी कुछ मिनिमम आप 45 के ग्रेट ब्रिटेन पाउंड कमा सकते हो, मतलब आपको अगर INR में से ट्रांसलेट करते हो गाइस तो मिनिमम 40 लाख हो जाता है पर एनम। इसके बाद ये भी सैलरी जो है 8 आवर वर्क डे और 5 डेज वर्क वीक का, तो मतलब ये मिनिमम सैलरी, अगर एक्स्ट्रा वर्क करते हो आप तो और ज़्यादा कमा सकते हो, और जैसे जैसे आपकी रेपुटेशन बढ़ती जाएगी गाइज आपका सैलरी भी बढ़ता जाएगा। इसके बाद गाइज यूरोप में बात कर लेते हैं। यूरोप में किसी किसी कंट्रीज में आपको जो सैलरी मिलती है वो हो जाता है कुछ 35 से 40 के यूरो तक, और किसी किसी कंट्री में जो छोटे ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं गरीब हैं उनकी सैलरी जो है कुछ आपको 25 से लेके 40 के तक मिल जाता है यूरो में। अगेन जो सारी सैलरी मैंने आपको बताई है गाइज वो है 8 आवर वर्क डे और 5 डेज वर्क वीक का, मतलब ये मिनिमम सैलरी है, आप ज़्यादा काम करोगे तो इससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो गाइज अभी बात कर लेते हैं कि कौन सी कंट्री आपको सबसे बेटर रहेगी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो गाइज मैंने इसमें USA को एक्सक्लूड कर दिया है क्योंकि वहाँ पे वीज़ा का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और इसके लिए मैं उसे रिकमेंड नहीं करता। तो गाइज अभी बात कर लेते हैं कौन सी कंट्री सबसे बेहतर रहेगी आपके लिए एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो सबसे नंबर 1 पे मैंने रखा है इस कनाडा को, क्योंकि वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोगों का हेल्थ कंडीशन उतना अच्छा नहीं है और बहुत सारे लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा है, वो लोग फिजियोथेरेपिस्ट पे पैसा खर्च कर सकते हैं गाइज। तो गाइज एज अ फिजियोथेरेपिस्ट सबसे बेहतर कंट्री आपके लिए जो रहेगी वो है कनाडा। आपको वहाँ पे लाइफस्टाइल बढ़िया मिल जाता है, एटमॉस्फेयर बढ़िया मिल जाता है, सेफ होता है कंट्री, और उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। उसके साथ साथ गाइज अगर आप वहाँ पे इमिग्रेट होना चाहते हो, वहाँ पे सिटीजनशिप पाना चाहते हो, तो इंडियंस के लिए स्पेशली कनाडा बहुत अच्छा है कंट्री है, वहाँ पे इमिग्रेशन इजी है। दूसरे नंबर पे गाइज मैंने रखा है ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन ये भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ पे जो पेपर वर्क है कॉम्प्लिकेटेड है, और वहाँ की गवर्नमेंट जो है ऑस्ट्रेलिया की अभी जो नई गवर्नमेंट आई है उतना सपोर्टिव नहीं है फॉरेन वर्कर्स के लिए, लेकिन वहाँ पे सैलरी बहुत हाई मिलता है, कनाडा के कंपेरेबल सैलरी मिलता है, वर्क भी इतना आसपास मिल जाता है, लेकिन गाइज वहाँ पे जो गवर्नमेंट है फॉरेन वर्कर्स के लिए उतनी फेवरेबल नहीं है जितनी कि कनाडा की गवर्नमेंट है, लेकिन सैलरी और लाइफस्टाइल की वजह से मैंने इसको नंबर 2 पे रखा है। तीसरे नंबर पे रखा है मैंने गाइज UK को, वहाँ पे हेल्थ कंडीशन उतना अच्छा नहीं है और लोगों के हाथ में पैसा है, तो इसका मतलब वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी आप कनाडा इतना नहीं कमाओगे UK में, लेकिन आपको मिनिमम 40 से 50 लाख इंडियन रुपीज में कमा लोगे हर साल का, ये है मिनिमम सैलरी, और जितना ज़्यादा आपका रेपुटेशन बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा UK में पैसा कमा सकते हो। इसके साथ साथ गाइस UK सेफ कंट्री हो जाती है, वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बहुत अच्छा है, इंडियन का रिस्पेक्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और अभी जो नई गवर्नमेंट आई है इंडियन के लिए थोड़ी फेवरेबल है, मतलब आपको वीज़ा का ज़्यादा इशू नहीं होगा। तो वैसे अभी बात कर रहे थे चौथे नंबर पर गाइस मैंने किसी एक कंट्री को नहीं रखा, मैं एक ग्रुप ऑफ कंट्री रखा है, वो है गाइस फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स, स्वीडन और एक दो और जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं उनको रखा है गाइस। वहाँ पे सैलरी जो गाइस आपको कंपेरेबल मिलता है कुछ 30 के से लेके 50 के यूरो तक, वहाँ पे लाइफस्टाइल भी अच्छा खासा मिल जाता है गाइस, सेफ कंट्री है और इंडियंस के लिए वहाँ पे एटमोसफियर जो है फेवरेबल है, क्योंकि इंडियन जाके वहाँ पे बहुत अच्छा खासा अपना धाक जमा चुके हैं और रिस्पेक्ट होती है उनकी वहाँ पे। तो गाइस इसके लिए चौथे नंबर पे मैंने इन सारी कंट्रीज को ग्रुप में वहाँ पे रखा है। अभी बात कर लेते हैं फाइनली पांचवें नंबर पे गाइस। तो गाइस पांचवें नंबर पे मैंने रखा है लैटविया, पोलैंड और चेक रिपब्लिक जैसे कंट्रीज को। यहाँ पे भी आपको एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कुछ 25 से 45 हज़ार यूरो कमा सकते हो, और यहाँ पे जो वीज़ा प्रोसेस है और इमिग्रेशन प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है, लाइफस्टाइल आपको बहुत बढ़िया मिल जाती है, वहाँ पे कम पॉपुलेशन है और पॉल्यूशन कम है, और वहाँ पे इंडियन की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे इंडियन ऑलरेडी इमिग्रेट होकर अपने धाक जमा चुके हैं, और वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी की रिस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा होती है। इस साथ गाइज यहाँ पे आपको पेपर वर्क बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको हैसल फेस नहीं करना पड़ता, और वहाँ पे रेसिज्म ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ता, और वहाँ पे जो कॉलेज और एजुकेशन जो होते हैं गाइज वो भी टॉप क्लास होते हैं, वर्ल्ड के टॉप 100 में सारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ की आती हैं। तो इनके लिए रखा है मैंने इस ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को नंबर 5 पे। तो गाइज ये था मेरा फिजियोथेरेपी से रिलेटेड वीडियो, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, या फिर ये मेरा वेबसाइट है यहाँ पे जाके भी मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई होप को आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा। मैं इस चैनल पे स्टडी इन यूरोप और सेटल इन यूरोप से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा।